हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए कुछ नया तरह से छोले की सब्जी बनाते हैं। आज मैंने एक कटोरी छोले को रात भर भूनने के लिए रख दिए हैं। इधर मसाले हैं, एक प्याज को मैंने कट कर लिया, लहसुन अदरक काली मिर्ची मैंने 5 से 10 लिए हैं, जीरा आधी चम्मच के लगभग लेकर के सबको आप इसमें मिक्सी जार में डाल करके मैं सबको ग्राइंड कर लूँगी। 1 से 2 चम्मच पानी डाल करके आप इसी तरह से पेस्ट बना लें इन सब मसालों का। इधर देखिए मैंने एक प्याज को कट कर लिए हैं, इसे मैं भूनूंगी। जीरा आधी चम्मच किलो कुल मिलाकर के 1 चम्मच किलो मैंने जीरा यूज किया है। इसमें 2 मिर्ची है, तेज पत्ता है। इधर मैंने कुकर गर्म होने के लिए रख दिए हैं। अब इसमें आप एक कुकर गर्म हो जाए तो 1 से 1.5 चम्मच के लिए लगभग आप इसमें सरसों तेल डाल दें। अब इसे गर्म करें, आप देख सकते हैं तेल गर्म हो चुके हैं। मैंने इसमें 1 तेज़पत्ता और मिर्च को कट करके रख लिए हैं। जीरा डाल दें, जीरा और प्याज डाल करके अच्छे से भूनें। इधर मैंने इसे भी पेस्ट बना लिए हैं। ऑनियन डाली, लहसुन का इसको पीस लिए हैं अच्छे से। अब आप इसे जब अच्छे से गुलाबी कलर का होने लगेंगे तो मैं मसाले डालूँगी। इधर मैंने छोले को भी पाल लिए हैं और मैं इसे बिना उबाले हुए बना रही हूँ। रात भर भूनने के लिए रख दें तो उबालने की ज़रूरत नहीं पड़े। 3 से 4 सीटी के अंदर में ये गल जाते हैं अच्छी तरह से। आप देख सकते हैं इधर मैंने पेस्ट निकाल लिए हैं जो ग्राइंड किए थे। उसमें आप सब्जी मसाला 1 चम्मच के लगभग डाल दें, डालकर मिक्स कर दें। सिर्फ मैं इसमें सब्जी मसाला ही ऐड कर रही हूँ। अभी गरम मसाला मैंने आधी चम्मच के लगभग आधी से थोड़ी सी कम ली है। हल्दी पाउडर आप देख सकते हैं आधी चम्मच के लगभग है। 1 चम्मच मैंने नमक लिया है। इधर आप देख सकते हैं प्याज बिल्कुल हो गया है गुलाबी कलर का। मैं इसमें मसाला डाल करके कर लूँगी आधी लगभग 1 मिनट के लगभग इस प्रोसेस में लग जाते हैं। इसमें आप हल्दी पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। अब हल्दी पाउडर ऐड कर दे, गरम मसाला भी ऐड कर ले। आप देख सकते हैं मैंने गरम मसाले भी ऐड कर लिए हैं। तो देखिए गरम मसाले मैंने ऐड कर लिए हैं। इसी तरह से आप भी ऐड करते हैं। मिर्ची मैंने डाले थे इसलिए थोड़ी सी मैं मिर्ची डालूँगी। जो आप देख सकते हैं थोड़ा सा मीट मसाला ऐड कर ले, इससे इसकी टेस्ट में और 4 गुना स्वाद इसकी अच्छी बन जाएगी। देख सकते हैं अब इसमें आप मैंने जो ग्लास में पानी रखे थे इसे डाल करके इसे मिक्स करके 1 से 2 सीटी लगवा ले। लीजिए आपका छोला तैयार हो जाएगा तुरंत। आप देख सकते हैं कितना सुंदर बन गया है छोला, पूरी तरह से गला भी हुआ है। आप इसे चम्मच से उठा करके अभी गर्म है ये तो मैं आपको दिखा भी सकती थी। और पूरी के साथ है, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। आप लोग भी प्लीज़ इसे बनाइए, खाइए और कैसा बना उसे शेयर कीजिए। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।